अस्सलाम वालेकुम। आज हम कद्दू की खीर नहीं, कद्दू का हलवा बनाने जा रहे हैं। ये देखिए हमारा मीडियम साइज़ का कद्दू, पर थोड़ा मोटा कद्दू है ये। इसको हम कद्दूकश करेंगे और ये मीडियम साइज़ का कद्दू है। ये देखिए हम इसको कद्दूकश करेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस बना के कद्दूकश करेंगे, वरना थोड़ा तकलीफ़ होगी। हम इसको गाजर के हलवे की तरह ब्लेंड भी करके बना सकते थे, पर इसको कद्दूकश करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा। ये देखिए हमारा कद्दू को हम कद्दूकश कर लिए थे और उसको थोड़ा पानी में भिगा के निथाल लिए। अब हम बना रहे हैं कद्दू का हलवा। ये देखिए हमारा कद्दू और ये है खोवा, ये है 1 कप शक्कर, ये 1 कप दूध है, इलायची पाउडर, ये ज़ाफ़रान है और ये गुलाब का एसेंस है। चलिए हम असली घी ले रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, पर असली घी से ज़रा ज़ायक़ा इसका बढ़ जाता है। और घी भी हम 100 ग्राम लेंगे, अगर चाहे तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते असली घी है तो। आंच धीमी करके अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे, अभी और थोड़ा बाद में डालेंगे। चलिए हम कद्दू को भूनना शुरू करेंगे डाल के। हमारे पास हैदराबाद में कद्दू की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हमारे पास 11वीं के महीने में कद्दू बहुत महंगा मिलता है। 11वीं का महीना बोले तो सिर्फ हैदराबाद वाले समझ सकते हैं 11वीं का महीना। रबी उस्सानी को 11वीं का महीना बोलते हैं हमारे पास हैदराबाद में, क्योंकि हर तरफ 11वीं के फातिहा होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कद्दू का दालचा और बघारा खाना बनता, इसलिए हमारे को ये महीने में कद्दू बहुत महंगा मिलता, पर फिर भी लोग इसको इस्तेमाल करते। अभी हमारा 1 कप दूध डालेंगे इसमें, और दूध हमेशा कद्दू के मीठे में डालिए, कहे में भी डालिए, ठंडा डालना चाहिए क्योंकि दूध फट सकता। ये बात मैं आपको गाजर के हलवे के टाइम पे भी बोली थी शायद, याद रखिए आप लोग, कभी भी मीठे में दूध डालते वक्त उसको ठंडा करके डालिए। ये देखिए हमारा कद्दू गल गया है, अब हम इसमें 1 कप शक्कर डालेंगे। शक्कर भी आपको अपने जायके के हिसाब से डालना है, अगर हम ज़रूरत पड़े तो फिर और डालेंगे। 1 किलो कद्दू अगर है तो आपको कम से कम 200 ग्राम शक्कर लेना ही चाहिए, मीडियम मीठा होता है। अगर ज़्यादा मीठा होना तो ज़्यादा डालिए, और अगर कम होना तो कम डालिए। इसको थोड़ी देर भुनेंगे हम। ये देखिए दूध सूख गया है, अभी हम इसमें ज़ाफ़रान की काड़ियाँ डालेंगे। ये ज़ाफ़रान की काड़ी भी ऑप्शनल है, अगर आप गरम महसूस होता है, ज़्यादा गरम है तो उसको मत डालिए, पर जायके के लिए डालिए। और खोवा भी जो है ना, ये भी एक ऑप्शनल है, पर मेरे पास हर मीठे में मैं तो इस्तेमाल करती हूँ खोवा, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है इस खोवा डालने से। हर मीठे में खोवा डालने से जायका बहुत बेहतरीन हो जाता है। अब इसको ज़रा थोड़ी देर भुनेंगे हम। ये देखिए अच्छी तरह भुन गया है हमारा हलवा, और ये देखिए कद्दू जो है घी छोड़ रहा है, इसका मतलब है अब ये तैयार है। थोड़े ड्राई फ्रूट डालिए, अभी थोड़े हम इसको गार्निशिंग के लिए रखेंगे। हमारा कद्दू का हलवा तकरीबन तैयार है, थोड़े ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे इसको, और चांदी का वरक भी जायके में तो नहीं आता, पर इसकी देखने में इसको आपके आँखों से भी आप टेस्ट महसूस करें, इसलिए इसको हम ये लगाते हैं।
हर मिठे में लगाते हैं। अगर नहीं लगाना चाहे तो आप कोई बात नहीं, ये दीजिए हमारा गाजर कद्दू का हलवा बनके तैयार है। आप हमारे तरीक़े से कद्दू का हलवा बनाइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा हलवा कैसा लगा।